1953 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था 2 बीघा जमीन। किसानों की दुर्दशा दिखाती इस फिल्म का एक दृश्य बेहद मार्मिक था, जिसमें फिल्म का हीरो रिक्शा खींचते हुए घोड़े से रेस लगाता है और आखिर में उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। इस फिल्म के इस दृश्य को बताने का हमारा मकसद क्या हो सकता है? दरअसल आज सीएम हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन में जिस खबर की बात हम करने वाले हैं वो खबर ही कुछ ऐसी है, जिसमें इंसान घोड़ा गाड़ी में घोड़े की जगह जुता हुआ है। किस लिए? 2 बीघा जमीन नहीं बल्कि 2 बूंद पानी के लिए। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण गौतम। सीएम हेल्पलाइन में आज जिस मुद्दे को हम दिखाने वाले हैं वो हर घर जल वाले सरकारी दावों की पोल तो खोलता ही है, साथ ही बताता है कि पानी जैसी मूलभूत सुविधा भी उसे नसीब नहीं हो पा रही है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जब आप इस खबर को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इन लोगों की जिंदगी में तो विष के प्यालों के सिवाय कुछ भी नहीं है। यह जो पूरा मामला है वो राजधानी भोपाल से सटे हुए जिले रायसेन के एक छोटे से गांव का है। देखिए रायसेन से हमारे संवाददाता पवन सिलावट की ये रिपोर्ट। सूरज ढल रहा है, दिन खत्म होने को है, मगर यह जद्दोजहद इसलिए कि कहीं जिंदगी ही खत्म ना हो जाए। जिस घोड़ा गाड़ी पर घोड़े को खींचना चाहिए उसे इंसान खींच रहा है। पत्थरों के बीच गाड़ी फंस जाती है तो महिलाएं पीछे से धक्का लगाती है। सब कुछ बेहद संभल कर होता है। आपने गौर किया होगा तो गाड़ी पर रखा है एक पीपा। इसमें है जिंदगी की वो चंद बूंदें जो इंसान को जिंदा रहने के लिए जरूरी है, पानी। कोशिश यही है कि इस जद्दोजहद में कहीं पानी का ये पीपा गिर ना जाए, क्योंकि यदि गिर गया तो 3 घंटे की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सही सुना आप, 3 घंटे। कम से कम 3-3.5 किलोमीटर दूर है। रोड लाना पड़ता भाई साहब, पूरा परिवार ज्यादा, छोटे मोटे बच्चे सब करके, कुछ पीछे लगते कुछ आगे लगते हैं। हम एक बहुत दिनों से परेशानी है, आज से कम से कम 10-15-20 साल से होगा। ये कुछ सुनाई नहीं होती साहब, सुनते सब है, करता कोई नहीं है। अब जो तस्वीर आपको दिखाई वो अकेली तस्वीर नहीं है, तस्वीरें और भी है। जैसे बर्तन लेकर जाती ये बुजुर्ग महिला हो, या फिर पानी की कुप्पी उठाए ये छोटी सी बच्ची, या फिर पानी के लिए जद्दोजहद करते ये बुजुर्ग बाप। सिर पर बर्तनों को लेकर निकली छोटी बच्चियों की ये टोली, जिनके हाथों में कॉपी किताबें होना चाहिए, जिन बच्चियों को घर के आंगन में खेलना कूदना चाहिए, उन्हें परिवार के लिए पानी का बंदोबस्त करना पड़ रहा है। जीवन की सांझ में जिन बुजुर्गों को घर पर आराम करना चाहिए वो 2 बूंद पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आखिरकार ये लोग हैं कौन जो पानी के लिए इतनी मशक्कत कर रहे हैं? दरअसल ये राजधानी भोपाल से सटे जिले रायसेन की धनियाखेड़ी ग्राम पंचायत में रहने वाले लोग हैं। धनियाखेड़ी पंचायत रायसेन जिले से महज 7 किलोमीटर दूर है, मगर यहाँ हालात ऐसे हैं जो किसी को नजर नहीं आते। दरअसल यहाँ पानी की समस्या 1 या 2 नहीं बल्कि पिछले 15-20 सालों से, और ये सभी लोग इसी तरह पानी के लिए कड़ी मशक्कत करते हैं और इसी तरह उनकी जिंदगी बीत रही है। पानी साफ है नहीं है यहाँ बिल्कुल भी, और ट्यूबवेलन पे जाते हैं, किसी के पे भी अगर लाइट होती है तो चला देते हैं तो ले आते हैं, नहीं तो खाली आ जाते हैं। ट्रैक्टर से भी जाते हैं, कोई गाड़ियों से भी जाता है। 2 किलोमीटर भी जाओ, कुछ 3 किलोमीटर भी जाओ, कुछ 5 किलोमीटर भी जाओ, वो तो जैसा जिसकी दूसरे गांव वाले से पहचान है भाई हिसाब से जाते हैं ट्यूबवेलों पे। हमारी जा रहा पानी भर 3 किलोमीटर आऊंगा, हाँ पैदल जाऊँ है, और बहुत दिन पानी नहीं है, नल है ना बोर है, 1-1.5 घंटा लग जाओ। अब हम सियाने इंसान, हम तो बने भी नहीं है, पानी पियेंगे कहीं से ला कर। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन योजना चल रही है, जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए इस योजना पर खर्च हो रहे हैं, और जल जीवन मिशन को लेकर सरकार का एक दावा अक्सर सुनाई देता है। मैंने बताया मैं भी गांव में पैदा हूं, पानी भरने में आधा टाइम निकल जाता था बहनों का, पीने का पानी जिसके बारे में अभी हमने विस्तार से चर्चा की है, और इसलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी योजना का संचालन और संधारण आप ठीक ढंग से करें ताकि शुद्ध पीने का पानी हमको मिले। मैं सभी 4000 ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, आपके गांव में पीने का पानी आया है, ताली बजा के आप सबका अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर ही नल का पता नहीं, यहाँ तो 22,000 पंचायतों का दावा किया जा रहा है। वाह भाई वाह,
दावे और हकीकत में कितना अंतर है ये इन तस्वीरों से साफ नजर आता है। ऐसा नहीं कि इन ग्रामीणों ने जिम्मेदारों से शिकायत नहीं की, पानी के लिए जद्दोजहद करते इन ग्रामीणों ने कलेक्टर की जनसुनवाई में शिकायत की, मगर हर किसी का एक सुर से इतना ही कहना है कि अधिकारी सुनते तो हैं मगर करते कुछ नहीं है। पानी नहीं है तो कितनी दूर जाते हो लेने? 2-3 किलोमीटर। तो कितना टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने? तो बहुत दूर जाते बच्चों छोड़कर। तो गांव में हेडपंप नहीं लगे क्या? लगे, पानी नहीं निकलता उनमें, नहीं निकलता। ऐसे कर रहे, दूर से लाते पानी भर के बच्चे ने छोड़ के जाते। और नेता वो तो वोट लेने के लिए ही यहाँ आते हैं हर 5 साल, और जब आते हैं तब उन्हें इन लोगों की परेशानी नजर आती है। क्या कहते हैं वो ये भी सुन लीजिए। पानी की परेशानी है सबसे ज्यादा। कैसी? पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा यहाँ से कम मोड़ा मोड़ी छोड़ के लेडी से जाती हैं, बच्चा बच्ची रोते ही रहते हैं छोटे छोटे, 3-3, 4-4 घंटे लग रहा है आने में, और कई बर्तन मिट्टी के लेके जाती हैं रास्ते में ही फोड़ देती हैं। उसने यही बोला कलेक्टर साहब ने कि आ जाएगा पानी, आ जाएगा, सर्दी से फिर रहे हैं आज कम से कम हमें 8 महीने चक्कर लगाती लगाती कलेक्टर कलेक्टर महोदय के पास। कोई नहीं है नेता को, नेता लोग आ जाते हैं वोट लेने के लिए, कह देते हैं कि लगवा देंगे हेडपम्प, आज तक सुनाई नहीं हुई हमारी। पानी बहुत दूर का है, 2-3 किलोमीटर का, और दोपहरिया में पीपी के पानी और बीमार हो रहे हैं और अस्पतालों में जा रहे हैं। सारी हमारी कोई नहीं सुन रहा गरीबों की, नेता के पास ही कलेक्टर के पास जा रहा है 2-2, 3-3 बार, कोई सुनवाई नहीं है। नेताओं की फितरत होती है एक कान से सुनना और दूसरे कान से बातों को निकाल देना। इस गाँव के लोगों के साथ बरसों से यही हो रहा है। इन गांवों में करीब 70 से ज्यादा परिवार रहते हैं, यानी आबादी करीब 500 से ज्यादा है। बरसों से लोग परेशान हैं और सुनने वाला कोई नहीं। जब ये सभी लोग कलेक्टर से मिलने गए थे उसके बाद दसूत्र ने इलाके के SDM से पूछा कि इतनी बड़ी आबादी पानी के लिए मशक्कत कर रही है, अधिकारी क्या कर रहे हैं? अब इस पर SDM LK खरे क्या कहते हैं वो भी आपको बताते हैं। LK खरे का कहना है कि ये PHE विभाग का मामला है और इससे संबंधित कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है, आपने जानकारी दी है तो संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात करूंगा। मजेदार बात यह है कि जनसुनवाई में सारे विभागों के जिम्मेदार अफसर मौजूद रहते हैं जो लोगों की समस्याएं सुनते हैं। जब आवेदक कलेक्टर से मुलाकात करते हैं तो उनकी शिकायत तत्काल ही आगे बढ़ा दी जाती है, और SDM खरे को इस बात की जानकारी ही नहीं कि जनसुनवाई में कोई शिकायत आई है या नहीं। यानी साफ है कि जनसुनवाई में शिकायतों को अधिकारी किस गंभीरता से लेते हैं पता चल रहा है। सिस्टम में बैठे अफसरों से केवल रिएक्शन ही मिलता है, उनसे एक्शन की उम्मीद तो बेमानी ही लगती है। अधिकारी एक्शन में होते तो शायद ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती। ये आजादी का अमृत महोत्सव है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, आम जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे, वगैरह वगैरह। बातें हैं, बातों का क्या, सावन के महीने में अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। खैर, इल्तिजा अफसरों से केवल इतनी है कि जनाब जरा चैंबरों से बाहर निकलिए, आसपास देखिए, गुहार लगाते चेहरों से मिलिए, उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझिए, आम लोगों की जगह जरा खुद को रखकर देखिए, कुर्सी मिली है तो कुछ अच्छा करके जाइए, और सरकार से गुहार है कि वो भी जमीनी हकीकत की तरफ जरा ध्यान दे। हम तो आम जनता की परेशानी को सिस्टम तक पहुंचा सकते हैं और CM हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन के जरिए वो पहुंचा भी रहे हैं। यदि आप भी सिस्टम से परेशान हैं, बेजार हैं, तो हमसे संपर्क कीजिए, आपकी समस्या को सिस्टम तक पहुंचाने का 10 सूत्र भरोसा देता है। अगली बार CM हेल्पलाइन में नए मुद्दे को लेकर आपसे रूबरू होंगे, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।